हेलो गाइस, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से गाइस हमारे इस चैनल में। और जैसा कि आप लोग को बोलता आ रहा हूं कि अच्छे अच्छे ट्रिक्स इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, आप लोग को दिया जा रहा है हर एक वीडियो में। आज भी मैं आप लोग को एक और ट्रिक लेकर आ रहा हूँ आप लोग के बीच में गाइस। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जी गाय, आज का हमारा टॉपिक जो है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। मोस्ट VVI टॉपिक है ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए गाइस, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझने का प्रयास करिए कि आखिर ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। क्योंकि गाइस देखिए, आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों को अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनको लंबे समय तक ले याद करना ये थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। और जिसको हम लोग किस माध्यम से अपनाते हैं गाइस, एक नुस्खा के माध्यम से जिसे हम ट्रिक कहते हैं, तो वही ट्रिक है गाइस जिसके मदद से कर्क रेखा जितने राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों को आसानी से लंबे समय तक ले याद करते हैं। तो बने रहिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए ये ट्रिक है क्या, ठीक है। तो हमारा ट्रिक है गाइस, आज का जो हमारा ट्रिक है वो है मित्र पर गमछा झार। जी बस इतना ही से ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। जी यानी कि एक दोस्त पर गमछा आपको झाड़ देना है गाइस, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़ देना है, यही आपका ट्रिक है आज का। और यही आपका, इसी ट्रिक में आपका सभी राज्यों का नाम छुपा हुआ है। तो चलिए उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा पूरा भारत में, ठीक है। तो यही 8 राज्यों का जो ट्रिक है आपका, ये मित्र पर गमछा झार, इसमें आपको टोटल 8 राज्यों के नाम छुपे हुए हैं। और वो कौन कौन से राज्य है जानते हैं क्या करके गाइस, तो चलिए डिफाइन करते हैं क्या करके। हमारा पहला शब्द है गाइस मित्र, ठीक है, मित्र का जो मी अक्षर है इससे हमारा कौन सा राज्य मिल रहा है, मिजोरम। मी अक्षर वाले से हमारा कौन सा राज्य मिला, मिजोरम। और त्र अक्षर वाले से कौन सा राज्य मिलेगा गाइस, त्रिपुरा, ठीक है। तो मित्र शब्द से दो अक्षर और त्र, तो मी से मिला मिजोरम और त्री से त्र से मिला त्रिपुरा, तो मित्र वाले से हमारे दो राज्य मिल गए। अगला स्टेप, अगला स्टेप हमारा गाइस पर, पर से जो क अक्षर है इससे हमारा कौन सा राज्य मिलेगा, पश्चिम बंगाल। प अक्षर से हमारा मिल गया पश्चिम बंगाल। और र से हमारा क्या मिलेगा गाइस, र से हमारे मिलेंगे कौन सा राज्य, राजस्थान। पर वाले र अक्षर से हमारा कौन सा राज्य मिला, तो यहां से भी हमारे कितने स्टेट मिले, कितने राज्य मिले, दो स्टेट, ठीक है, दो राज्य मिल चुके हैं। अब अगला स्टेप है गाइस गमछा, ये गमछा सबसे हमारे कितने राज्य मिलने वाले हैं, टोटल 3। तो एक एक करके डिफाइन करते हैं, पहला ग, ग से हमारा कौन सा राज्य मिलेगा, गुजरात, गुजरात। हमारा कितना ग से हमारा मिल गया गुजरात। उसके बाद अगला है मा, तो मा अक्षर से हमारा कौन सा मिलेगा, मध्य प्रदेश, कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, मा से हमारा मिल गया मध्य प्रदेश। अगला है हमारा छ, तो छ शब्द, छ अक्षर से हमारा कौन सा राज्य मिलेगा, छत्तीसगढ़, छत्तीस। तो गमछा वाले सबसे हमारे 3 राज्य मिले, एक गुजरात, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। लास्ट ट्रिक का जो लास्ट शब्द है गाइस वो झार,
झाड़ से कौन सा राज्य होगा, गेस कर सकते हैं, झाड़ से हमारा झारखंड, झारखंड, झाड़ से हमारा क्या मिला, झारखंड, ये लास्ट है हमारा झारखंड, एक का लास्ट शब्द है झारखंड, ये हमारा क्या मिला, झारखंड। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने राज्य हुए गाइस, काउंट कर लेते हैं एक बार, मिजोरम एक, त्रिपुरा दो, पश्चिम बंगाल तीन, राजस्थान चार, गुजरात पांच, मध्य प्रदेश छह, छत्तीसगढ़ सात और झारखंड आठ, टोटल कितने राज्य हुए, आठ राज्य। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा बोलते हैं कितने राज्यों से होकर गुजरती है गाइस, आठ राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के आठ राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और वैसे स्टूडेंट जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रिसेंट में जो एग्जाम होने वाली है जेपीएससी का, ध्यान रखिएगा, उनके लिए मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स बनता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस और मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई टॉपिक है क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें झारखंड का जिक्र किया गया है, ये मोस्ट वीवीआई आपके लिए। ठीक है, जेपीएससी वाले स्टूडेंटों के लिए ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे अच्छी तरह से आप नोट्स बना लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये लंबे समय तक आपको काम देने वाली है। ठीक है, वैसे तो ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपका ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई, नो डाउट। ठीक है, तो ये हमारा आज का ट्रिक है गाइस, पितृ पर गमछा धार, जिसके मदद से हम लोगों ने जाना कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आज का ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा गाइस, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आज का ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना नहीं भूलिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।